हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ध्यान ब्लॉगर नीति। और कैसे हैं आप सब? तो बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बीच में मैरिज भी थी और मैंने ब्लॉग भी नहीं शूट किया था, तो मैं इतने दिनों के बाद आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों से इतने दिन से बात कर रही थी कि मैं अपने बालों पे क्या करवाऊँ क्या करवाऊँ, तो फाइनली मैंने स्मूथनिंग करवा ली है और अभी मैं लेके आई हूँ स्पा, हेयर स्पा लेके आई हूँ। और ये देखिए मेरे बाल कितने शाइनी, सिल्की एंड शाइनी लग रहे हैं। आप लोगों ने जैसे मेरे वीडियो में देखा है कि मैंने कैसे मतलब स्मूथनिंग करवाई है या क्या करवाया है, तो आप लोगों को पता चल ही है कि मैंने स्मूथनिंग करवाई है और कैसे करवाई है वो भी सब प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। और अब आपको ये डेली मेरा ऐसा लुक देखने को मिलेगा, तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरे किस तरह के ब्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट तो कर दीजिएगा, एटलीस्ट मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँगी। और ये सुखी रखी डॉल, अभी तक इसका रूम सजा बड़ा है, अभी तक मैंने कुछ नहीं हटाया, मतलब इसको ऐसे ही रखा हुआ है। तो बाकी अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं और मैंने घर की सफाई कर ली है। आई शो यू कि मेरा भी क्या 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 पेंडिंग है, तो मैं आपको सब दिखा देती हूँ। पहले मेरा घर कैसा लग रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है और सुखी रत भी सो रही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपने घर की लुक। पहले मेरा रूम देख लीजिए, अभी बस वो मेरी जैकेट पड़ी है, मैंने वो पहननी है अभी क्योंकि मैंने पहनी नहीं है, ठंड हो चुकी है जैसे कि आपको पता है बहुत सारे। और बस ये सुकिरत का टॉय बहुत ही अच्छी तरह से खेलती है इससे, मैं आपको दिखाती हूँ। सारी क्लीनिंग मेरी अच्छी तरह से हो चुकी है, ये देखिए। क्लीनिंग हो चुकी है और लाइट्स ऑन, तो चलिए फिर अभी मुझे लग रही है भूख, मैं जाती हूँ चाय वगैरह बनाने और साथ में बना लेती हूँ मैगी बना लेती हूँ, वो पड़ी हुई है क्योंकि कल तो टोस्ट खाए थे, आज मैगी खा लेती हूँ। शाम के टाइम भूख लग जाती है, आलू पड़े हुए थे तो मैंने उसके टोस्ट बना लिए थे और अब मैगी बनाने में जा रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और बनाते हैं मैगी। तो यहाँ पे मैगी के लिए मैं शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ और टमाटर यूज़ कर रही हूँ, प्याज मैं यूज़ नहीं कर रही क्योंकि प्याज एक्चुअली घर पे थे भी बट मुझे कोई और सब्ज़ी बनानी थी, बहुत कम प्याज थे, यू नो कि प्याज बहुत महंगी हो चुकी हैं, इसलिए जितना हो सके तो थोड़ा हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो मैगी के लिए इतना कंपल्शन भी नहीं था क्योंकि यूपी में तो सारे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं और हमने सिर्फ शिमला मिर्च और टमाटर का लगा लिया था, फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस यही हम 4 लोगों के लिए एक एक पैकेट बना रहे थे अपने लिए। तो यहाँ पे ये मैं सब कुछ बना के पहले रेडी कर लेती हूँ, थोड़ा सा यीपी से बनाई थी, सूपी वाली बनाई थी मैंने। तो चलिए फिर मैं आगे बना लेती हूँ और आप लोगों से फिर बात करती हूँ। Thank you.
एवरीवन, तो नेक्स्ट डे हो चुका है और इस ब्लॉग को मैंने सोचा कि एंड कर देती हूँ। और यहाँ पे लाइट्स मैंने जो है वो छोटा सा बल्ब जो है वो जगाया हुआ है, तो आई थिंक सो क्लैरिटी अच्छी आ रही है, फिर भी मतलब डल सा नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लेटे लेटे बात कर लेती हूँ, क्योंकि ना ठंड हो चुकी है बहुत बुरी तरीके वाली ठंड हो गई है, क्योंकि बारिश कंटिन्यू पड़ रही है। और आज कल मुझे इसका ब्लॉग भी बनाना था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली शूट नहीं कर पाई। सो अभी बज रहे हैं 7:30 हो गए हैं और अभी मैंने सब्जी वगैरह काट ली हुई है, तो मुझे लगा कि चलो फटाफट जाके इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ और आप लोगों को ये अभी देखने का भी मौका मिल जाएगा मेरे ब्लॉग। अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू यूज़र हो या फिर मेरी वीडियोज़ देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ताकि वो मेरी वीडियो को देख सके और मुझे पहचान सके, ताकि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के मिल सके, लाइक मिल सके। तो इसी के लिए मैं ये होप करती हूँ आप लोगों से कि आप जल्दी से जल्दी मुझे आगे तक पहुँचाओगे। और एक बात, ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगी, जो लोग मुझे डिसलाइक करते हैं, आई नो कि वो कौन डिसलाइक करता है, तो कर लो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिसलाइक करने से। क्योंकि देखो, डिसलाइक करने से आप तो डिसलाइक कर दोगे बट व्यू तो मुझे मिल रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, व्यू आप देखे जा रहे हो, सो आई डोंट केयर। मुझे बस जो मेरे साथ कंटिन्यू हैं पर्सन, जेन्युइन पर्सन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनका पता है कि वो मुझे दिल से लाइक करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकते मेरी वीडियो के। अगर सीधी सीधी बात है, अगर उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ आपकी वीडियो में ये कमी है इसलिए हमने आपको डिसलाइक दिया है। कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब मेरे जितने सब्सक्राइबर ऐड हैं मेरे साथ वो मुझे कोई बेफालतू का डिसलाइक नहीं देते, सब मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं अच्छी तरीके से। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, ताकि और भी मुझे आप लोगों को जानने का मौका मिले, और आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को किस तरह की मेरी वीडियोस चाहिए होती हैं, तो मैं वैसे मेक श्योर बनाने की पूरी ट्राई करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को ये भी एंड कर देते हैं, अब मैं ले लेती हूँ आपसे इजाज़त, तब तो मिलते हैं अपने आगे कल के ब्लॉग में, मतलब इसके बाद मैं आई थिंक इसको कंटिन्यू कर दूँ, ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू कर दूँगी। तो चलिए फिर मैं अगला ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर देती हूँ, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, ताकि फटाफट से मैं इसको अपलोडिंग पे लगा दूँ। तो फिर मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।